Hello guys, welcome back again. Today's topic is the structure of liquid. So today we will discuss about the structure of liquid in this video. So let's get started. तो ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, इसको कई साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, तो वो हम कुछ इसमें कुछ मॉडल हैं जो पढ़ेंगे कि किसने क्या मॉडल दिया स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड के ऊपर. फर्स्ट मॉडल है इयरिंग थ्योरी. फर्स्ट थ्योरी जो है वो इयरिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी. तो उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इयरिंग इन 1993 गिव अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड. जो इयरिंग थे उन्होंने 1993 में एक मॉडल दिया लिक्विड के स्ट्रक्चर के बेस पर, अकॉर्डिंग टू विच अ लिटिल पोर्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स रिमेन वैकेंट और फ्री. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लिटिल पोर्शन है टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ. देखिए ये डायग्राम है. तो उन्होंने क्या बोला कि लिटिल पोर्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स वैकेंट और फ्री, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है लिक्विड का उसमें थोड़ा सा जो पोर्शन है, लिटिल पोर्शन है, वो या तो वैकेंट होगा या फिर फ्री होगा. दिस वैकेंट पोर्शन इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स. और ये जो वैकेंट पोर्शन होगा कहीं कहीं ये मॉलिक्यूल्स के द्वारा फिल नहीं किया जाएगा. एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अबाउट 3% पोर्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इज फ्री वॉल्यूम. मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पर जो 3% पोर्शन होगा टोटल वॉल्यूम का, इसके टोटल वॉल्यूम का 3% जो पोर्शन होगा उसको बोला जाता है फ्री वॉल्यूम. उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया. तो उन्होंने एक कंटेनर लिया और उसमें मॉलिक्यूल्स डाले. तो ये तो उन्होंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स डाले. ये क्या है, ये है लिक्विड. और ये जो ऊपर की तरफ है ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. और इनके बीच में लिटिल पोर्शन क्या है, फ्री स्पेस है. ठीक है, तो उन्होंने इस फ्री वॉल्यूम के बारे में ही बताया है. ये स्ट्रक्चर दिया उन्होंने लिक्विड का और बताया कि जो लिटिल पोर्शन होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो क्या होता है, वो रिमेन वैकेंट या फिर फ्री होता है. वो या तो खाली बचा हुआ होता है या फिर फ्री होता है. वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा फिल नहीं किया जाता है. और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 3% पोर्शन जो होता है टोटल वॉल्यूम का वो क्या होता है, वो फ्री वॉल्यूम होता है. ये मॉडल दिया था इयरिंग्स लिक्विड स्ट्रक्चर मॉडल, ये इयरिंग ने दिया था. और ये उन्होंने ये इस डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये फ्री स्पेस है, ये लिक्विड है, ये वेपर है. और उन्होंने किसके बारे में बताया, उन्होंने फ्री वॉल्यूम के बारे में बताया है. नाउ सेकेंड थ्योरी इज दैट बर्नर एंड स्कोट थ्योरी. ये जो सेकेंड थ्योरी है ये है बर्नल एंड स्कोट थ्योरी. तो बर्नल एंड स्कोट थ्योरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिक्विड इज रैंडम पैक ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर दे आर वेरी क्लोज बट पैक्ड रैंडमली. मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फॉर्म इरेगुलर पॉलीहीड्रल शेप बाय दिस पैकिंग. इस थ्योरी में जो वर्नल एंड स्कोट थ्योरी है इसमें क्या बताया गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिक्विड होते हैं वो रैंडम पैक होते हैं, यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली पैकिंग होती है उनकी. और रैंडमली पैकिंग से ही वो क्या बना लेते हैं, वो पॉलीहीड्रल बना लेते हैं एक इरेगुलर शेप का. अगर आप देख रहे हो तो इनकी कैसी पैकिंग है, इनकी कैसी पैकिंग है, ये रैंडम पैकिंग है. और रैंडम पैकिंग में ही इन्होंने ये क्या बना लिया है, यहाँ पर ये रेगुलर शेप में ही इन्होंने पॉलीहीड्रल शेप बना ली है. तो जो सेकंड थ्योरी है वो बोली गई है कि जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो रैंडम पैकिंग होती है. ठीक है, और वो इरेगुलर पॉलीहीड्रल बनाते हैं, कोई रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर पॉलीहीड्रल होता है शेप बाय दिस पैकिंग. ठीक है, पॉलीहीड्रल बनाया उन्होंने कैसा, इरेगुलर. और उनकी पैकिंग कैसी होती है, उनकी पैकिंग होती है रैंडम पैकिंग होती है. ठीक है, अब थर्ड थ्योरी देखते हैं. थर्ड थ्योरी है साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल, यानी कि थर्ड जो मॉडल है वो है साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल. तो इसमें क्या बताया है, दिस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वॉज प्रपोज्ड बाय स्टेवार्ड इन 1927. ये जो मॉडल है ये स्टेवार्ड ने दिया था 1927 में. ठीक है,
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड इज लेस क्रिस्टलाइन. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होता है लिक्विड का वो लेस क्रिस्टलाइन होता है. ठीक है, वेयर क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, जहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं. क्लस्टर मीन्स मैं आपको दिखाऊं तो क्लस्टर कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये एक क्लस्टर है, तो क्लस्टर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हम इतना पार्ट देखें तो ये क्या है, ये एक क्लस्टर है, यानी कि एक पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना. ठीक है, तो वेयर क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं. तो एक एक क्लस्टर के अंदर 100 और मोर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इन वन क्लस्टर 100 और मोर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ऑर्डिनरी मैनर. और ये जो हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं क्लस्टर के अंदर, वो एक ऑर्डिनरी मैनर में मिलते हैं. ये देखिए आप, दीज आर नोन एज साइबोटैक्टिक ग्रुप्स. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक क्लस्टर दिख रहा है, वो ये वाला दिख रहा है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्डिनरी मैनर में है. यहाँ पर नोट भी है, ये ऑर्डिनरी मैनर मॉलिक्यूल्स. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑर्डिनरी मैनर में है, तो इनको बोला जाता है साइबोटैक्टिक ग्रुप्स. ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल क्या कहता है कि जो लिक्विड जो होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और एक एक क्लस्टर के अंदर 100 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑर्डिनरी मैनर में मिलते हैं, और इसको ही बोला जाता है साइबोटैक्टिक ग्रुप्स. तो आई होप कि आपको ये तीनों थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.